नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। स्वागत मैं करूँ, ये औकात मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे कहा गया है, जो कार्य मैंने किया है। 10 नेचुरोपैथी एंड योगा एजुकेटर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम सब जी महाराज की प्रेरणा से संतोष भाई जी के द्वारा ये पीड़ा उठाया गया और इसको हम लोग अभी स्तर पे देख रहे हैं और ये आगे निरंतर बढ़ेगा। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर श्री बालाजी महाराज, श्री दुर्गा जी, रानी सती दादी, श्याम बाबा सबका पूर्ण आशीर्वाद मान के चल रहा हूँ और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हुआ सर्जरी, हुआ पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, हुआ न्यूरोलॉजी, हुआ कार्डियोलॉजी, हुआ डायबिटिक डिपार्टमेंट, हुआ विभिन्न डिपार्टमेंट की सुविधा दी जाएगी। ये आगे का क्या प्रोग्राम आप लोग, ये जो अभी आप लोग हॉस्पिटल खोले हैं, अभी किस तरह से और कहां कहां से मतलब डॉक्टर आपके यहां पर आ रहे हैं फैसिलिटी देने के लिए? हमारे यहां ऑल ओवर इंडिया से सब डॉक्टर आ रहे हैं। जो हम लोग चाहते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल जो डॉक्टर की टीम हमारे पास में रहे, उसकी हमारी चेष्टा है। और अभी हमारी टीम में जितने भी डॉक्टर हैं सब अपनी लाइन में दक्ष डॉक्टर हैं। लोग यहां इलाज कराने क्यों आएंगे? यहां इसलिए आएंगे, पहले तो उनको कम दर में इलाज मिलेगा, दूसरा यहाँ हमारी पीआरओसी बहुत अच्छी है, अच्छा व्यवहार मिलेगा, तीसरे यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी चिकित्सा प्रदान करेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा की क्या व्यवस्था आप लोगों के पास यहाँ? हमारे यहाँ अभी फिलहाल आयुर्वेदिक चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग निकट भविष्य में नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट खोलने जा रहे हैं। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य जन सेवा के लिए खुला है, जन सेवा ही इसका लक्ष्य है और जन सेवा करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ किस किस तरह के बीमारियों का इलाज किया जाएगा? यह अभी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में आ रहा है। ये डायबिटीज, गायनो, ब्लड प्रेशर और न्यूरो आदि चीजों से होगा। बाकी अस्पताल से क्या खासियत है अस्पताल में? बाकी हॉस्पिटल की देखिए हम तुलना नहीं कर सकते। हमारे हॉस्पिटल के अंदर बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सभी जगह से बड़े बड़े डॉक्टर आकर के अपना अनमोल समय यहाँ दे करके लोगों की सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से। और यहाँ से जो लोगों को इतना दूर जा जाके सेवा करना पड़ता था, जाके अपने को चेकअप करवाना पड़ता था, वो यहाँ पे सुविधा यही मिल जाएगी। कैंसर का विशेष क्या होगा? ये हॉस्पिटल हमेशा कैंसर के नाम से जाना जाता, शुरुआत भी हुआ था, आधारशिला भी रखी गई थी और यहाँ सुनते भी हैं, उसकी विशेष कैंसर के लिए यहाँ पे जो है 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद केमो शुरू हो जाएगा और 6 महीने के बाद में उसका कैंसर का इलाज भी शुरू हो जाएगा, जो कि रेडिएशन वगैरह जो यहाँ पे अभी तक नहीं हो रहा है। कभी आप छोटे सर में आया डॉक्टर साहब इलाज के लिए, आपको मदद किया है किस तरह से? संतोष भाई जी का एकमात्र ही उद्देश्य है कि हम लोग बड़े शहरों, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के तरफ में जो भागते थे इलाज करने के लिए, वो इलाज हम छोटे शहर सीतारामपुर में यही हम लोग व्यवस्थित करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या क्या व्यवस्था दी जाएगी मरीजों को यहाँ? हमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है,
या जो भी सब तरह की सेवाएं दी जाएगी, चाहे वो जनरल फिजिशियन चाहे हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, पेडियाट्रिक हो, यूरोलॉजी हो, ओंको सर्जरी हो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, सभी तरह की सुविधाएं यहाँ कम दाम में प्रदान की जाएगी। आसपास के क्षेत्रों में ऐसी चर्चा है कि कैंसर हॉस्पिटल बहुत महंगा हॉस्पिटल है। ये मिथ को तोड़ने के लिए ही संतोष भाई जी ने ये हॉस्पिटल की स्थापना की है। आगे क्या आप लोगों का इस हॉस्पिटल के लेकर क्या सोच है और क्या क्यों आप हमारा एक ही सोच है कि गरीब से गरीब तबका का व्यक्ति यहाँ इलाज करा सके, कोई भी भाई बिना इलाज के नहीं रहे। क्या अद्भुत लगा आपको यहाँ इसमें? इधर लिया भाई, जो मेरे को खासियत लगी वो कलकत्ते के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में नहीं है। आज वहाँ पर कोई भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। कलकत्ते के सैकड़ों हजारों लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, जिनका लाखों रुपया खर्चा होता है। सब कोई को सोचते हैं कि वहाँ पर ट्रीटमेंट बेसी होगा। यहाँ पर आज करीब 10 से ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ से आए हैं। इनका रेगुलर प्रोग्राम है कि रेगुलर कम से कम महीने में एक बार वहाँ के डॉक्टर्स को लाएंगे, जिससे यहाँ के आदमियों को बेंगलोर और हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं तो वह दिन देख रहा हूँ कि कलकत्ते के आदमी बेंगलोर और हैदराबाद जाने की जगह यहाँ पर आके ट्रीटमेंट करें। सर, अस्पताल प्रबंधन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अस्पताल प्रबंधन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही है कि हॉस्पिटल बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बढ़ने से ही अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं करें कि बहुत बढ़ गया है। आप लोगों के पास जितनी जगह है, इसको ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। और जब आप लोगों को हैदराबाद और बेंगलोर के डॉक्टर्स का सपोर्ट है तो बहुत बढ़ गया। और इसलिए सोच करके चुपचाप मत बैठिएगा और बढ़ाते रहिए। सर, आप तो एक बड़े शहर से हैं और ये एक बहुत छोटा सा जगह है, क्या लगता है हॉस्पिटल कैसे चलेगा? यदि ट्रीटमेंट बढ़िया होगा चलेगा। खास करके मैं इसलिए आया कि 2 महीने पहले मैं मेरे ट्रीटमेंट के लिए बेंगलोर गया था, वहाँ पर 15 दिन में हॉस्पिटल में था। यदि ऐसी कोई फैसिलिटी वेस्ट बंगाल में अवेलेबल होती तो मेरे को बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं होती। यही समझ करके मैं इन्विटेशन एक्सेप्ट करके यहाँ पर आया। इतना बड़ा अचीवमेंट ने खड़ा किए हैं तो संतोष भाई के जी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? संतोष भाई के बारे में मैं मेरे स्पीच में बोला था, मेरा 5-6 दिन पहले इनसे कोई परिचय नहीं था। असल में बात सुनने में खराब लगेगी, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं इनसे परिचय नहीं था, नाम भी नहीं जानता। पुनीत सुरेखा जो बेंगलोर के डॉक्टर से आया है वो मेरा बहुत परिचित है। 5-6 दिन मेरे घर पर गया रात में करीब 9 बजे कि आसनसोल में एक हॉस्पिटल रहा है, आपको वहाँ पर इनॉग्रेट करना है। मतलब भाई मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। कम से कम हमारी एक रिक्वेस्ट कर रखिए, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं सर भाई जी, उनसे आप 5 मिनट बात कीजिए। मैं खाली ये बात बोल सकता हूँ कि 4 मिनट करने बात करने के बाद मेरी हाँ ना मेरी ना हाँ में बदली होगी। सर, आप थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार डांडनिया, मैं कलकत्ता हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ और वहाँ के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, हम लोगों के बार एसोसिएशन में 12,000 एडवोकेट्स हैं, उनका मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ। हमारे बैंगलोर के जितने भी वेरियस हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग वहाँ से आए हैं और हमें इन्वाइट करने वाले जैसे पुलिस लेखा है, हम लोग बैंगलोर के वेरियस हॉस्पिटल जैसे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, पोर्चिस हॉस्पिटल, मलिगे हॉस्पिटल, ये यहाँ के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको आसनसोल में लाने का। और ये मतलब बहुत अच्छी खुशखबरी है कि दुर्गापुर में फ्लाइट आना स्टार्ट हो गई है, जो डायरेक्ट बैंगलोर से यहाँ आ सके, विदिन 2 आवर्स में हम लोग यहाँ रीच हो सकते हैं। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, हम लोग वाया ई कंसल्टेशन के थ्रू आप यहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट
ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग कोशिश करेंगे हर बार यहाँ पे आने का और ट्रीटमेंट देने का और ट्रीटमेंट हम सोच रहे हैं। आज हमारे पास हर ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं जो सच में सिर्फ हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे गुरु जी के आशीर्वाद से ये काफ़ी अच्छा चलेगा। आज पहली बार हम लोग आए हैं और हम लोग काफ़ी खुशी हैं। आई थिंक हमारे जितने भी डॉक्टर हैं काफ़ी खुशी हैं, तो इसके लिए हम लोग जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। माया महानगरी वहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ पे हम 20 साल से जा रहे हैं और यहाँ पहले उद्देश्य जो रहा है अभी आगे भी वही उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। यहाँ जो यहाँ के लोग बिहार बंगाल उड़ीसा झारखंड के लोग बॉम्बे जा करके लाइन लगाना पड़ता था और बहुत सारे लोग पैसे के अभाव में या समय के अभाव में साधन के अभाव में वहाँ वंचित रह जाते थे सेवा से। उस सेवा को यहाँ पे अच्छे ढंग से सरल सस्ता और सहज भाव से सबको सेवा मानव सेवा हमारी हो, इस उद्देश्य से अस्पताल की स्थापना हुई है और यहाँ पे सबका सहयोग भी है और यहाँ के लोगों के लिए विशेष करके ये संजीवनी बूटी साबित हुआ। जो भी यहाँ आएगा जैसे भी स्थिति में होगा जितना उसकी हालत होगी उतना देख करके बाकी सहयोग किया जाए। इस ट्रस्ट के माध्यम से संतोष भाई के माध्यम से हमारे पूर्ण भाई आए हुए हैं वहाँ से हरियाणा से, इनके सबके माध्यम से और आप यहाँ श्रद्धालु भक्तों के माध्यम से इतना लोगों में क्षमता होगी वो होगी नहीं तो इलाज के बिना कोई यहाँ वापस नहीं जाना पाएगा और इलाज के बिना कोई ये नहीं सोचेगा कि हम अगर पैसा होता तो ठीक हो गए होते। पूरी स्थिति को यहाँ सहयोग किया जाएगा पेशेंटों के साथ अच्छी हमदर्दी के साथ, इसी उद्देश्य से ये इसकी स्थापना हुई है। अब प्रभु से प्रार्थना है कि पूरा करें, हमारा आशीर्वाद भी है। समाज सेवा का काम होता है, परमार्थ का काम हमारे मन में होता है तो शक्ति भगवान देते हैं और उसी भरोसे से ये सफल भी हुआ है और हम आप सब यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं और यहाँ के लोगों के लिए सब हमारा ये आग्रह भी है कि जिसके पास जो जैसे है हर जगह ऐसे परमार्थ के काम में जुड़े हैं और जुड़ करके समाज सेवा करें। यही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा तीर्थ मानव सेवा सबसे बड़ा साधन है। इससे सबके उनके बाल बच्चे भी सुखी हो जाएंगे जो उसमें दान करेगा सेवा करेगा और मानव सेवा किसी पीड़ित के लिए अगर अपना तन मन धन लगाएगा तो उनके बाल बच्चे भी सुखी होंगे और समाज सेवा भगवान की भी कृपा होगी। यहाँ हम महाराष्ट्र जिला नासिक त्रयंबकेश्वर नीलगिरी पर्वत से हम जूना अखाड़ा से महामंडेश्वर हैं, हमारे आश्रम बॉम्बे में है और प्रयागराज में है। हम यहाँ ये बहुत दिनों से बंगाल में कई जिलों में और कई स्थानों में आते रहते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं और उसी के माध्यम से यहाँ ये सबसे जुड़े हैं और इनकी जन भावनाओं को देख करके हमारे हृदय में ये भाव जो हुआ कि समाज सेवा और तत्व की बात हमारे पुराणों में शास्त्रों में सबसे महत्व मानव सेवा दी गई। पीड़ितों के लिए अच्छा व्यवहार करना भगवान की पूजा, कमजोर वर्गों के लिए अच्छा व्यवहार करना, सम्मान से प्रेम से व्यवहार करना ये भगवान की पूजा। भगवान कहते सेवरी की जूठी देर खाए और गरीबों के यहाँ जा करके उनकी मदद करके अपने हृदय से लगाए, हमारा उद्देश्य बस यही भागवत के माध्यम से रहता है। सब में आत्मा ये कही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चाहे जिस जाति धर्म का हो सबका मालिक एक ही है, परमात्मा एक ही है, हम सगे एक पिता की सगी संतानें हैं। हमसे जितना सबसे समाज से हो सके एक दूसरे की मदद करना चाहिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। ये संदेश को लेकर हम पूरे देश में भागवत कथा करते हैं और हमारे संतोष भाई जी अति प्रिय हैं, ये इन्होंने कई किए हैं यहाँ पे, हमारे प्रवीण परिवार के लोग भी कई लोग यहाँ पे कई हमारे 25 भागवत हो चुके हैं क्षेत्र में पूरे बंगाल में। तो हम यहाँ के जनमानस के बारे में ये अनुभव है हमें कि ये इनके लिए बहुत अच्छा ये साबित संजीवनी बूटी साबित है। इनके लिए यही लक्ष्य है कि जो किसी भी तरह से यहाँ पहुँचेंगे तो उनकी मदद की जाएगी, उनमें जितनी क्षमता होगी उतना होगा बाकी उनके लिए मदद की जाएगी, यही उद्देश्य स्थापना। और हमारा ये संदेश है कि उनके पास धन है बुद्धि है बल है सामर्थ्य है, ऐसे जगहों पे अपने बुद्धि शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करने से उनके बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे और ये पूरी की पूरी आत्मा के साथ जाएंगे, आगे भी सुखी रहेंगे।